कुछ ही दिन पहले की खबर है दोस्तों, लेकिन बहुत शॉकिंग है। सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ इंडियन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया। एमडीएच और एवरेस्ट के चार मसाले जिन्हें हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भारी मात्रा पाई गई इथाइलीन ऑक्साइड की। ये एक पेस्टिसाइड है और ग्रेड वन कार्सिनोजन है, यानी कि इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मसाले प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है, और इस खबर के बावजूद हमारी सरकार ने देश की जनता को कोई चेतावनी नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान के नाम पर वहां लोगों को भड़काने में बिजी है। यही नहीं, हमारी अथॉरिटीज ने पूरा 20 दिन का समय मांगा है अपनी खुद की जांच करने के लिए। मतलब वहां ईडी का डंडा दिखाकर चंदा इकट्ठा करने की बात हो तो 5 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन यहां करोड़ों लोगों की हेल्थ की बात है तो इन्हें 20 दिन चाहिए। अगर ये खबर सुनकर आपको घबराहट होती है तो इस खबर को भी देखो जरा। पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को फ्लैग किया है। एग्जैक्टली 525 प्रोडक्ट्स, और इनमें भी इथाइलीन ऑक्साइड पाया गया। वही सेम केमिकल्स ये नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब में पाया जा रहा है। हमारे देश की फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी FSSAI का काम है इन सब चीजों को जांचना, फूड की रेगुलेशन करना, ताकि ये खतरनाक केमिकल्स हमारे खाने में ना आए। क्या कर रहे हैं ये? और यहां सिर्फ खाने की बात नहीं है, मैंने फार्मा फाइल्स वाले वीडियो में बताया था, दवाइयों का भी यही हाल है। खराब दवाइयां हमारे बच्चों को दी जा रही हैं, ढंग से रेगुलेशन नहीं हो रही कंपनीज की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चंदा डोनेट कर रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ये चंदा धंधा मॉडल देश के लिए कितना हानिकारक है अब तो समझ जाओ।